नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के बारे में जिन्हें आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 में अपने टीम में शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, कौन से होंगे वो खिलाड़ी और कैसे आरसीबी की टीम उन्हें खरीद सकती है, ये सभी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही आरसीबी टीम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आरसीबी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गेंदबाजी है। ऐसे में हम इस वीडियो में तीन ऐसे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज के बारे में बात कर रहे हैं जिनके टीम में शामिल होने से आरसीबी की गेंदबाजी की परेशानी दूर हो सकती है और उन्हें बैकअप के रूप में अच्छे खिलाड़ी भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। दोस्तों, स्टार्क ऑस्ट्रेलिया टीम में एक बहुत बड़ा नाम है। दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में स्टार्क का नाम सबसे पहले आता है। जैसा कि मैंने आप सभी को इससे पहले भी स्टार्क के ऊपर एक वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें दोस्तों मैंने बात की थी कि अगर आरसीबी की टीम मिचेल स्टार्क को आईपीएल ऑक्शन में 2020 में ख़रीदती है तो उनकी गेंदबाजी काफ़ी मजबूत हो सकती है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दें कि स्टार्क पहले भी आरसीबी टीम के लिए खेल चुके हैं और अगर ऐसे में स्टार्क अगर आईपीएल 2020 के ऑक्शन में अवेलेबल रहते हैं तो आरसीबी टीम को उन्हें ज़रूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, स्टार्क ने आईपीएल में अब तक 27 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 34 विकेट्स भी हासिल किए हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे गेंदबाज के बारे में बात करें तो दोस्तों आईपीएल 2020 के ऑक्शन में पैट कमिंस के रूप में भी एक अच्छा विकल्प मौजूद होगा। दोस्तों, कमिंस हाल ही में शानदार फॉर्म में है। आपको बता दें कि वो टेस्ट रैंकिंग में फ़िलहाल दुनिया के नंबर एक गेंदबाज भी हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ओडीआई और टी20 क्रिकेट में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। दोस्तों, कमिंस अपने पेस से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। वो सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, साथ ही उनके पास अच्छे यॉर्कर्स और स्लोअर रन भी मौजूद हैं जिनका टी20 जैसे क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, कमिंस पहले भी आईपीएल में दिल्ली डेयर रेबल्स और केकेआर जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद कमिंस को मुंबई इंडियंस ने भी ख़रीदा था, लेकिन इंजरी की वजह से वह बाहर हो गए और फिर आईपीएल 2019 के ऑक्शन में पैट कमिंस अनसोल्ड हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कमिंस ने आईपीएल में कुल 16 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 17 विकेट्स भी हासिल किए हैं। तो दोस्तों, अगर आरसीबी की टीम पैट कमिंस के ऊपर दांव खेलती है तो टीम के पास गेंदबाजी का मसला जो अभी तक है वो काफ़ी हद तक हल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हैं लेग स्पिनर एडम जेम्पा। दोस्तों, एडम जेम्पा ऑस्ट्रेलिया के एक उभरते हुए गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक खेले गए 22 टी20 मैचों में 23 विकेट लिए हैं, वो भी सिर्फ 6 की शानदार इकोनॉमी रेट से। दोस्तों, यही नहीं बल्कि आईपीएल में भी जेम्पा ने 11 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 19 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को याद होगा तो जेम्पा ने आईपीएल में पुणे की तरफ से खेलते हुए एक ही मैच में 6 विकेट भी हासिल किए थे, जो उनका आईपीएल में अब तक का शानदार बॉलिंग फिगर भी है। दोस्तों, अगर आंकड़ों को हटाकर भी देखें तो भी जेम्पा में विकेट्स लेने की काबिलियत है। वो बेखौफ गेंदबाजी करते हैं और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां पर लेग स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, वहां पर एडम जेम्पा काफ़ी अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जेम्पा 2020 के ऑक्शन में अवेलेबल रहते हैं तो आरसीबी टीम को उन्हें ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि वो चहल के बैकअप के रूप में भी एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, आप सब जो हमारे वीडियोस में देखते हैं वो बस खाली एक प्रेडिक्शन है। हमारे हिसाब से हम बस प्रेडिक्ट करते हैं खिलाड़ियों को लेकर जिन्हें आरसीबी टीम या फिर कोई और भी टीम ऑक्शन में ख़रीद सकती है। दोस्तों, चाहे वो स्टार्क हो या शाई होप हो या फिर पैट कमिंस ही क्यों ना हो, इन सभी को आरसीबी अकेले तो नहीं खरीद सकती। बाकी टीम भी ऑक्शन में रहेंगी और सभी टीम अपने प्लान और ज़रूरत के हिसाब से खिलाड़ियों पर बोली लगाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।